अपने चैनल विकिपीडिया पे, मैं हूं आपको होस्ट अमित। दोस्तों बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैकिंटोश सिल्वर के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई जाए, लेकिन भाई मैंने इसको बहुत ढूंढा, पंजाब में ये मिल नहीं रही थी, लेकिन फाइनली आज मैंने इसको जलंधर के वाइनस्टोर्स के ऊपर देखा, तो आज इसका डिटेल व्यू करेंगे। ये एक बजट विस्की है, काफी अफोर्डेबल प्राइस में आ जाती है, 1000 के अंदर आपको इजीली मिल जाएगी। भाई लोगों का कहना है कि बहुत बढ़िया पीट का फ्लेवर इसमें आता है, तो चलिए चेक कर लेते हैं कि कैसा है इसका टेस्ट। बाय द वे बहुत ही बढ़िया ब्रांड से ये आती है, काफी रेप्यूटेटेड कंपनी से ये आती है, अमृत डिस्टिलरी से। तो भाई अगर इतने बड़े नाम से ये जुड़ी है तो कुछ तो बात इसमें होगी ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के रिव्यू को और देखते हैं कि क्या सच में ये इतनी बढ़िया है या फिर सिर्फ ये सुनी सुनाई बातें। तो दोस्तों ये एक इंडियन ब्लेंडेड विस्की है, जो बार्ले है ये पंजाब और राजस्थान से लिया जाता है, और जो ग्रेन विस्की बनाई जाती है वो बनाई जाती है कॉर्न से, वीट से, राइस से और भी काफी चीजों से बनाई जाती है। उसके बाद दोनों को डिस्टिल करने के बाद दोनों को मैरी करवाया जाता है और दोनों को अमेरिकन ओक कास्ट में मैच्योर किया जाता है, और उसके बाद ये हमारी इस हिसाब से बॉटल में हमें पीने के लिए मिलती है। तो चलिए अब इसके प्राइसेस के बारे में बता देता हूं। 750 ml की बॉटल है ये, 750 ml की, और इसमें जो एल्कोहल स्ट्रेंथ है ये 42.8% है जी हाँ, और इस पे ऊपर जो मिनिमम रिटेल है ये 650 rupees है, 650 rupees, लेकिन ये मुझे 850 rupees की जलंधर से मिली है। आपकी सिटी में, आपकी स्टेट में प्राइस डिफर कर सकता है, लेकिन इसी प्राइस रेंज में आपको 1000 के अंदर ये इजीली मिल जाएगी। तो चलिए अब इसको टेस्ट भी करके देखते हैं ये पीने में कैसी लगती है। इसकी हमने ग्लास में पोर कर लिया है, अभी इसको साइड में रख देते हैं, थोड़ा सा ओपन अप होने देते हैं। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, एक फ्री गिफ्ट भी बॉक्स में निकला है जी हाँ, एक ग्लास निकला है जिसकी क्वालिटी नॉर्मल है, बहुत ज्यादा टॉप नॉच क्वालिटी की नहीं है। भाई जितनी देर तक हमारी विस्की ओपन अप होती है, इसके इंग्रेडिएंट्स भी देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ पड़ा है। तो इसमें यूज किया गया ग्रेन, एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल, मॉल्ट स्पिरिट, डीमिनलाइज वाटर, और इसमें आर्टिफिशियल कलर्स का यूज किया गया है, लेकिन आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं डाले गए। ये बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि 1000 के नीचे जितनी भी विस्कीज आती हैं उनमें तकरीबन आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाले जाते हैं, लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं। चलिए करते हैं इसको नोज। चीयर्स भाई। जैसे ही मैंने इसको नोज किया, पीट मुझे इतना नहीं मिला, लेकिन एक क्रूज का काफी अच्छा अरोमा इसमें से आ रहा है। अगर आपने अमृत अमलगम पी होगी, कुछ कुछ वैसा नोज इसमें से आ रहा है, जो कि काफी टेम्पटिंग लग रहा है। जनरली इस प्राइस ब्रैकेट की विस्कीज में ऐसा नोज नहीं मिलता, लेकिन भाई इसमें कुछ तो बात है जी हाँ, कुछ तो अलग इसमें है। हल्की हल्की स्पाइसेस का भी अरोमा इसमें से आ रहा है, हल्का हल्का ब्लैक पेपर जैसा नोट भी इसमें आ रहा है। तो भाई नोजिंग के ऊपर तो बहुत अच्छी लग रही है, दमदार लग रही है। चलिए करते हैं इसको टेस्ट। चीयर्स। वाओ भाई, जब भी आप इसको पियोगे और जैसे ही पियोगे, नीट पीने में ना एक बहुत बढ़िया माउथ फील आ रही है, हल्का सा अल्कोहल का फील आया, लेकिन जैसे ही मैंने इसको पिया वो ब्लास्ट हो गया भाई। इसमें काफी बढ़िया अरोमास, काफी बढ़िया टेस्ट है, काफी अच्छी फ्रूटीनेस है, मैं बोलूंगा स्मोकीनेस काफी लाइट है, बहुत हैवीली पीटेड नहीं है जैसे कि लोग कह रहे हैं। एक हल्का स्मोक आपको मिलेगा, लेकिन स्पाइसीनेस क्लोव्स का, उसके बाद ब्लैक पेपर का और फ्रूट का टेस्ट इसमें बहुत अच्छे से मिल रहा है। चलिए हल्का सा पानी इसमें ऐड करते हैं। वाओ, बहुत बढ़िया टेस्ट है और बहुत डिफरेंट टेस्ट है भाई। अगर आप ब्लेंडर स्प्राइट, उसके बाद मैं बोलूंगा ये सिग्नेचर वगैरह पीते हो ना भाई, तो भूल जाओ ये सब, इसको एक बार ट्राई कर लो, आपको ऐसा लगेगा कि आप सच में बहुत बढ़िया एक काफी अच्छी क्वालिटी की विस्की पी रहे हो, क्योंकि 1000 के अंदर जनरली ऐसा टेस्ट, ऐसे नोट्स, ऐसे फ्लेवर्स नहीं मिलते। ऐसी चीजें मिलती हैं, लेकिन
1800, 1900, 2000 रुपीस उसके लिए स्पेंड करने पड़ते हैं, लेकिन भाई मैं बोलूंगा बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। एक बार फिर से इसको ट्राई करते हैं। दोस्तों ऑलमोस्ट मैं पूरा गिलास पी गया, मैंने जानबूझकर काफी बड़ा सिप लिया, मैं देखना चाहता था स्पिरिट का कितना टेस्ट आता है, लेकिन भाई पानी मिलाने के बाद वो सारी चीजें गायब हो गई हैं। मॉल्ट का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, पीट का काफी अच्छा टेस्ट आ रहा है, लेकिन बहुत हैवीली पीटेड नहीं है, पीट का अरोमा आपको आएगा लेकिन एक एक लेवल तक आएगा, वो ज्यादा ओवरपावरिंग नहीं। मेरी तरफ से ये बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है, मैंने काफी टाइम बाद एक ऐसी विस्की पी है जो कि 1000 के नीचे आती है, लेकिन भाई टेस्ट इतना ज्यादा कड़क है। आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन चीयर्स, पियो और जियो।